अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए। 2022 दिसंबर के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर आएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नए भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा, जहां से अब देश की दिशा और दशा दोनों तय होगी। लोकतंत्र के इस नए मंदिर से अब देश का भविष्य लिखा जाएगा, नए नए कानून बनेंगे और यहीं से आत्मनिर्भर भारत की ताकत को पूरी दुनिया देखेगी और यहीं से जनता से किए गए वादों को मोदी सरकार पूरा करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि जनता की अदालत में मोदी सरकार के पेश होने में अब देखिए एक साल से भी कम का समय बचा है और ऐसे में जनता से किए गए वादों को चेक करने का समय आ गया है। एजेंडे में शामिल टॉप 3 मुद्दों में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता अब तक देश भर में लागू नहीं हो पाई है, जबकि 2019 में सत्ता में वापसी के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि कोई भी वादा अधूरा नहीं रहेगा। 3 से 4 सालों में सरकार वो सारे के सारे काम पूरे करेगी जिसके लिए जनता ने उन्हें चुना है। पर ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी की तीसरी कसम को पीएम मोदी पूरा करेंगे? नई संसद से पहला कानून क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनेगा? हाल ही में देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद से अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नए संसद से इस पर कानून लाया जा रहा है। अब क्या समय आ चुका है सबके लिए एक कानून लाने का? इसको लेकर बीते साल विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संभेत्र अशोका जी ने क्या भविष्यवाणी की थी धर्म ज्ञान पर, आप भी सुन लीजिए। देखिए 47 से 100 साल पहले अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल को अपना कर देश पर 100 साल राज्य किया जी। अंग्रेजी मानसिकता के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डिवाइड करके शासन करना चाहते हैं जी। जिसमें ये जो आपका अगर संविधान एक है हमारा, तो सबके लिए जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जी। अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग कानून होते हैं तो देश को एक रस नहीं रखते। सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए। और जैसा कि हमने नीम करोली बाबा से भविष्यवाणी की थी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो है जी। वो 370 और 35 है, जिसका ये देश पर बहुत अच्छा असर पड़ा। और उसके बाद सेकंड जो है आपका सेकंड जो प्रायोरिटी थी, जो अब फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बीच का 2021 जो है आपका कोरोना के भेंट चढ़ा है जी। तो वो होनी चाहिए आपका जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। और अब उसके बाद जो 2022-23 की जो प्रायोरिटी है, उसमें थर्ड प्रायोरिटी में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। 2022-23 में जरूर आना चाहिए जी। 2022 दिसंबर के बाद आपका जो ये विधेयक आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर आएगा। 22-23 में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड और ये जनसंख्या अधिनियम कानून ये सब इम्प्लीमेंट होंगे जी। और 23 में ये वाला कानून भी आना चाहिए, ताकि 2024 की संसद में जो लोग पहुंचे वो देश हित राष्ट्र हित की बात करने वाले लोग ही पहुंचे। और जिस तरीके से संसद के समय को वैल्यूड समय को ये लोग वॉकआउट करके खराब करते हैं जी। वो लोग अब 24 में पहुंचे के भी नहीं, क्योंकि वो आस्ता आस्ता जो है उनकी जो है वो मेजोरिटी खत्म हो रही है, तो आने वाले टाइम में वो लोग आपको दिखेंगे भी नहीं। फिर भी इसके लिए कोई ना कोई ऐसा कानून होना चाहिए ताकि गलत अनपढ़ गंवार व्यक्ति जो है वहाँ पर जाकर संसद में खड़े होके लोगों के सामने जो है जोकरों की तरह लोगों को हंसाए, नहीं कोई काम की बात करे। बिल्कुल, देखिए श्री संभेत्र अशोका जी के इसी पॉइंट से आप लोग कितने सहमत है और आपके खुद के इस पर क्या विचार है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ मैं अपने दर्शकों को ये बात भी बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सायरा बानो, जिन्होंने 3 तलाक के खिलाफ जंग लड़ी, उन्होंने जिसके बाद देखिए मोदी सरकार तीन तलाक के खिलाफ कानून लेकर आई, उन्होंने भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की थी। अब सर देखिए आपने भी भविष्यवाणी की कि आना चाहिए और आएगा, अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि इसका विरोध भरपूर होगा। विरोधी विपक्ष बोलेंगे कि एक खास वर्ग को, एक खास धर्म को टारगेट करते हुए मोदी जी को उसको मुस्लिम विरोधी बता देंगे। लेकिन क्या मोदी जी के नेतृत्व में ये कानून कैसे आएगा और कैसे पारित हो पाएगा? देखिए, अब जो विधेयक आएंगे उसमें वर्तमान जो आपकी लीडरशिप है अपोजिशन में, उसमें जो देश हित और राष्ट्रहित के विरुद्ध चलेंगे उनकी छटनी हो जाएगी और उनके चेहरों से मुखौटे उतर जाएंगे, जिसका रिजल्ट ये होगा 2024 की जो भविष्यवाणी की है कि एनडीए जो है 418 प्लस सीट्स लेगी, वो आपके सामने आएगा। अभी तक जितना भी हुआ है आप देखिएगा, जो भी हो रहे हैं आंदोलन, वो मुखौटों को उतार रहे हैं। तो इसलिए जो है ये बहुत जरूरी, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पीएम मोदी के लिए एक चुनौती भी है और जोखिम भरा कदम भी है। क्योंकि देखिए, अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी समुदाय के लिए देखिए अलग अलग नियम है, और ऐसे में एक खास वर्ग के लोग इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। हमारे देश में देखिए अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। मतलब ये कि शादी हो, तलाक हो या पैतृक संपत्ति से जुड़े जो मसले होते हैं उनके निपटारे के लिए हर धर्म का अपना एक पर्सनल लॉ खड़ा हो जाता है। जब देश एक है फिर सबके लिए कानून एक क्यों नहीं? यही कारण है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग तेज हो गई है। अब ये देखना बाकी है कि संसद के अगले सत्र में क्या नई संसद से पहला कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही लाया जाएगा। एक देश, एक निशान, एक विचार और एक कानून पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में ये सिर्फ हमारी राय तो है ही जो है, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की और मुसलमानों की, उसके साथ हमारी राय ये भी है कि ये मिली जुली तहजीब का मुल्क है और सदियों पुराना मुल्क है। यहाँ लोग अपनी तहजीब, अपने कल्चर, अपने मज़हब की आज़ादी के साथ सदियों से ज़िंदगी यहाँ बसर करते हैं और वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर हमने कॉमन सिविल कोड के निफाज के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमारा जो समाजी ढांचा है, हमारा जो समाजी खाका है इस मुल्क का सदियों पुराना, मुख्तलिफ तहजीबों और मुख्तलिफ मजाहिब का, उसको नुकसान पहुँचने का ख़तरा रहता है। इसलिए हम लोग हमेशा कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं, उसके अगेंस्ट रहते हैं, ताकि इस मुल्क में जितनी भी इकाइयां रहती हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जितनी तहजीबों और रिवायात के लोग हैं, वो इस मुल्क में सदियों से जिस तरह अपने मज़हब, अपनी रिवायात के साथ ज़िंदगी गुजारते चले आए हैं, उस तरह यहाँ ज़िंदगी गुजारें। किसी भी किस्म का ऐसा कानून जो उनको उनके मज़हब की आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, अपनी तहजीबी और सकाफती आज़ादी में रुकावट पैदा करेगा, वो नुकसानदेह होगा। हमारे इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजू नहीं। हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में ज़िंदा रहने की इजाज़त देनी चाहिए, जैसा कि हमारे मुल्क का दस्तूर कहता है।